सभा मंच में उपस्थित विद्वत गण, आत्म संबंधित सुंदर साल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साल, सभी ध्यान तो अवश्य करते होंगे। ध्यान करते समय हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते होंगे। किसी का मन शांत नहीं रहता होगा, किसी का आसन नहीं बैठ पाता होगा। मन में बहुत सारे संशय होते हैं। बस आज मैं इस मन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाणी में कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही देवे सत साहेबी और मन ही करे फजीत। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि हमारा मन दृढ़ संकल्प कर ले तो वो अवश्य कार्य पूर्ण कर सकता है, परंतु यदि हमारे मन में कुछ संशय हो तो अवश्य वो कार्य नहीं पूर्ण होगा। एक व्यक्ति का निर्माण मन से ही होता है। यदि मन चाह ले कि मैं ये कार्य पूर्ण करूंगा तो अवश्य वो कार्य पूर्ण करेगा, परंतु यदि उसके मन में थोड़ा सा भी संशय होगा तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए गुजराती में कहावत आती है, निर्बल मनना मानवी ने रस्तो जड़तो नती, अड़क मनना मानवी ने हिमालय पर नड़तो नती। जिसका मन अड़क होता है ना, उसको हिमालय जैसी मुश्किलें भी आ जाए ना, तब भी वो अवश्य वो कार्य पूर्ण करता है। परंतु जिसके मन में थोड़ा सा भी संशय होता है ना, जिसके तिनके एक तिनके जैसा भी संकट आ जाता है, वो कार्य अवश्य नहीं पूर्ण कर पाता। इसलिए शास्त्रों में तीन प्रकार के लोग बताए गए हैं। पहला प्रकार के लोग जो होते हैं वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और वो अवश्य कार्य पूर्ण कर देते हैं। परंतु जो दूसरे प्रकार के होते हैं, जो कार्य को प्रारंभ तो अवश्य करते हैं परंतु अंत नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि अंत में क्या होगा। और तीसरे प्रकार के वही लोग होते हैं जो डर के मारे कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। इसलिए सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, मनवा दिए बिन हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई, और उपाय या को कोई नहीं, जिन देवे आप बढ़ाई। जब तक हम हमारा मन उस सच्चे सदगुरु को नहीं सौंपेंगे तब तक कुछ कार्य होने वाला नहीं है। एक उदाहरण देने द्वारा समझाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुनते ही चाणक्य का नाम याद आता है सुंदर साथ जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मन सौंप दिया था चाणक्य को, इसलिए हम आज चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मन सर्वस्व अपने गुरु को सौंप दिया था। जिस तरह छत्रसाल जी महाराज ने अपना तन मन धन सर्वस्व श्री जी के प्रति समर्पित कर दिया था, सबसे पहले तो उन्होंने मन ही समर्पित किए थे जब वो श्री जी से मिले नहीं। उस समय 5000 की जमात में भी सभी सुंदर साल जी ने अपना मन सौंप दिया था श्री जी के प्रति। एक उदाहरण आता है, शायद आपने सुना होगा, अरुणिमा चिन्हा का। अरुणिमा चिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। कुछ कारणवश ट्रेन में उसका पैर टूट जाता है। पैर टूट हो जाने पर एक सबसे बड़ी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद में जब सगे संबंधी मिलने आते हैं तो वो उदास होती है। उदास होने का कारण पूछते नहीं, उसको मोटिवेशन करते हैं अंदर से कि उत्साह है और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। पर एक व्यक्ति ऐसा आता है और उसको मजाक में ऐसा कहता है, अरुणिमा चिन्हा तुम माउंट एवरेस्ट शेयर करोगी? एक हॉस्पिटल में बैठी व्यक्ति, एक पैर टूट गया है और एक पैर ऐसा ही है, और मन में दृढ़ संकल्प करती है कि मैं हिमालय माउंट एवरेस्ट को शेयर कर सकती हूँ, और वो माउंट एवरेस्ट को शेयर करके दिखाती है। दुनिया वाले लोग, हम सब सुंदर साथ दो पैर होने के बावजूद भी दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते कि हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। यदि दृढ़ संकल्प लेना तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि संसार के जीव इतना कुछ कर सकते हैं तो हम तो अपने आप को ब्रह्म सृष्टियां कहते हैं, तो हम ये कुछ नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। यदि हमारे मन में ये विचार तो करिए, एक विचार से क्या कुछ नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। एक विचार से श्री देवचंद्र जी ने जिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा भर्तार कौन है, ये विचार से जिया तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हम ये दृढ़ संकल्प क्यों नहीं कर सकते सुंदर साथ? एक विचार से जिया ना दयानंद सरस्वती ने जिया तो उन्होंने एक विचार से वैराग्य धारण कर लिया। एक विचार से उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। एक विचार ऐसा किया, अपने पप्पा बताते हैं उनको महाशिवरात्रि पर कि भगवान शिव, तुम पूरे दिन उपवास करोगे ना, तुम भगवान शिव साक्षात दर्शन देगे। उन्होंने दृढ़ संकल्प करके पूरे दिन खाना नहीं खाया, पूरी रात भर जगे। रात भर शिवलिंग के सामने बैठते हैं तो शिवलिंग सामने देखते हैं कि शिवलिंग के सामने तो उंदर आते हैं और शिवलिंग ऊपर चढ़ जाते हैं और लड्डू खा रहे हैं।
ये शिव की ये शिवलिंग खुद अपना रक्षा नहीं कर सकता तो क्या ये मेरी रक्षा कर पाएगा। बस इसी एक विचार से तो उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। सुंदर साथ जी, मन के एक विचार से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मन के एक विचार से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमारे हमको मन में एक सद्विचार लाना चाहिए। मन दो प्रकार के बताए गए हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। चेतन मन वही होता है जो तत्काल निर्णय लेता है। यदि मन निर्णय ले, यदि आप सुबह उठने का निर्णय लो, सुबह 4 बजे उठना है और सुबह 4 बजे उठते हो, अलार्म बजता है और देखते हो सुबह 4 बज गए और मन सोचता है अभी तो 4 बजे सो जाते हैं, कल से उठेंगे, ये क्या हुआ? तुमने आपने हम सब ने शाम को निर्णय लिया था हम सुबह 4 बजे उठेंगे, पर 4 बजे उठ पाए नहीं। क्यों नहीं उठ पाए? हमारा दो मन होते, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। चेतन मन का निर्णय क्या होता है? चेतन मन में बुरे संस्कार पहले से ही अंदर विराजमान होते हैं, वो संस्कार को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। जिस तरह एक मेला कपड़ा होता है ना, उस कपड़े को एक दिन में नहीं साफ करा जाता, उसे धीरे 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 साफ कर जाता है और अंत में ऐसा आता है वो पूर्णता साफ हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन को भी धीरे धीरे शांत करा जा सकता है, एक साथ शांत नहीं कर सकता। हम बोलते तो है कि मन को शांत करना है, मन को शांत नहीं कर पाते। जिस तरह एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी को रोकना चाहता है पर वो ब्रेक नहीं मारता, बोलता है मेरे को गाड़ी रोकनी है पर ब्रेक तो मारता ही नहीं, तो मन कैसे रुकेगा? इसी प्रकार ही मन का है। हम बोलते हैं मन को शांत करना है पर मन को शांत कर पाते नहीं है। इसलिए हमें ध्यान, जब तक हम वाणी मंथन करेंगे और उसके सार को ग्रहण करेंगे और ध्यान चित्तों द्वारा हमारे मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वाणी में कहा गया है, तन को योगी सब करे, मन को विरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए जो मन योगी होए। यदि तन को योगी करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, वो इंद्रियों के वशीभूत होके अपना का पतन कर देंगे, परंतु जिसने अपने मन को योगी बना लिया ना, वो इंद्रियों को भी अपने वशीभूत कर लेंगे और इंद्रियों के अपने वशीभूत चलाएगा। इसलिए जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो पूरे दुनिया को जीत लिया, जिसने पूरी दुनिया को जीती, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसने कुछ नहीं जीता। सुंदर साथ जी, कहा जाता है आहार शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, इसलिए वाणी में कहा गया है, पीना तमाकू छोड़ देखो, मांस मछली सब शराब और सबके प्रधान चोरों नो कब। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम अपनी जागरण नहीं कर पाएंगे। जिस तरह भैरव सेठ ने अपना 3 दिन में उनको साक्षात्कार हो गए, क्यों? उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और पूर्णता मांस मछली सब छोड़ दिया। इसलिए हमको भी छोड़ना होगा। यदि ये सुंदर साथ हम सब ये नहीं सोचते कि भैरव सेठ ने भी ये व्यसन करते हुए साक्षात्कार नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा अंतःकरण आपोआप शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने से हमारी मन चित बुद्धि ये भी शुद्ध हो जाती है और हमारी स्मृति अटल हो जाती है। स्मृति अटल हो जाने से हमारे जो बुरे संस्कार होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत करिए, अपने तन मन धन को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर लगा दीजिए और इस काल माया में ब्रह्मांड में जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है ना, उस तरह ये हमें ये काल माया के ब्रह्मांड में ज्ञान चितवनी और सेवा के माध्यम से कमल खिलना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ।